अमिताभ बच्चन बनवाए हैं, इसे सुनाई में आए हैं। ओम नमः शिवाय। जाल खेले खेले रही थे, सब निकाल लेते। चाचा भतीजा आ गए, अब हमारे काम आज के हो गए पूरा कंप्लीट। अभी हम करबो नाश्ता, पूरी सब्जी आगे, पूरी सब्जी चार पूरी और दो मतलब सब्जी दूठन में डाल दे, एक सब्जी अचार और प्याज के साथ। श्री बड़े हनुमान जी के मंदिर है, अंदर चलथन और आपो माला दर्शन कराथन। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय हो बड़का महाराज, बजरंग बली महाराज की जय हो। जय बजरंग, जय जोहर संगवारी हो। और संछा बेरा के राम राम है। अभी शाम के 5 बजे वो हमन निकल गए कहीं कुछ सामान ले बर मार्केट, काबर की पूजा बर माला और बहुत कुछ प्रसाद और साथ कहीं कुछ चाहिए रही थे, तब मार्केट हम आ गए हैं। जैसे कि हमारे एंट्री हो चुके हैं मार्केट में, आप देख सकते हो। ये भी देखना रही थी टोपी, बताओ कैसे टाइप से लगे। हाँ गर्मी ही वाला, गर्मी ही तो संगवारी हो, टोपी जरूरी है। कहे कि बाल ऐसे नहीं है, तो ये टोपी मोल सही लगा थे। अभी ड्रेस पहनी होते कर हिसाब से तो यही ले लेता हूँ अभी, बाद में फिलहाल देखो अच्छा से लेके। हर संगवारी हो, भिन्या भिन्या के राम राम है। आज हमार मन के एकादश और द्वादश पिंडा है, और खीर के स्पेशल डिमांड रही थे हमारे घर में, बताई थे पंडित मन कि खीर के पिंड पड़वाना है कीके, तो खीर के आज करत हम हमन, तो हमार मन के खीर बनत है। कहो आप खीर बनत हमार, खीर के पिंड बन ही। और सब पंडित जी मन पूजा करा थे, दो दी तीन तीन झनला मिला मिला के हम अकेला से करवाथन। चाचा जी बनावा थे खीर, आप जैसे कि देख सकते हो खीर के पिंडा पर। संगवारी हो, पिंड बने के चालू हो चुके हैं, और ये है खीर के पिंड। गरम रही तो थोड़ा ठंडा करें हैं, ओकर बाद फिर बनावा थे। 21 पिंड बनाना है। चला था 365 बत्ती और तेल डाले के बाद वाला प्रज्वलित कर थे। ये सैया दान प्रयागराज में तीर्थ राज में भोजन दक्षिणा अब्दुल कुमारी आत्मा कई कल से आप तक दर्शा क्या देना है पंडित जी को कहीं नहीं कहो आएंगे जन्म समर्थ में हम तो ये हरे राम घाट, और राम घाट में ही अभी स्नान करे हैं नवे डहर सब रिथे। और जैसे कि नीचे में कुछ भी डालवे तेल ले मन निकाल लेते, सब जाल वाल फैले रही थी कर कामे होती, जिन 5-7 जन बैठे आप मन देख सकते हैं कर मन के कामे रिथे, डूब डूब के अंदर के वाला निकालना है। ये दे जो भी आते तेन ला ये मन हाँ जाल खेले खेले रही थे, सब निकाल ले। भगवान के किसरी खिचड़ी बटा थे, और का पता हमार भाग में चावल दाल के खिचड़ी पंडित जी बैठे हो दियो। भंडारा है, भंडारा है, भंडारा है। तिरुपति बालाजी महाराज के प्रतिमा है, आप जैसे देख सकते हैं बहुत भव्य तरफ है।
सब हमन घूमत हन मोबाइल हो शंभो शिवलिंग ओम नमः शिवाय। संगवारी हो मैं पहुंच गया हूँ अभी मन कामेश्वर मंदिर भगवान भोलेनाथ के दरबार। अब यहाँ जो भी मनोकामना मान में पूरा होते की थे, जय मन कामेश्वर महाराज की जय, जय हो भोलेनाथ। कामेश्वर मंदिर के दर्शन करे हन और बहुत सारा मनोकामना मांगे हन। और यमुना नदी के किनारे लगे हुए ये मंदिर है, भव्य मंदिर है। देख सकत हो में यमुना नदी है आगे मंदिर में। अभी महाशिवरात्रि के महापर्व रही से होकर सब फूल पान रही से साफ सफाई के काम चालू है। और जिन सजावट भव्य रही से हुल अभी थोड़ा से सुधारा थे, साफ सुथरा करा थे मंदिर प्रांगण ला। काबर की महाशिवरात्रि में भारी भव्य भीड़ रही से तो ओकर कारण हम दर्शन नहीं कर पाए। काबर की हमार जिन कार्य पूरा नहीं हो रही से दस गात्र के, वो काम पूरा हो इस मुंडन दाढ़ी सब फ्री हो गए तब आज आके दर्शन करे हन। तो बहुत अच्छा लगीस और अभी भी लगातार भीड़ है। मनोकामना मंदिर है, मन कामेश्वर जी महाराज है। जय जय शिव शंभु, जय जय श्री अमिताभ बच्चन जी। जिन हमार महानाया के युग के सदी के पूरा महानाया अमिताभ बच्चन बनवाए हैं, इसे सुनई में आए हैं। लेकिन एकदम प्रमाण तो मोर पास नहीं है, लेकिन एक जन भैया बताए इसकी ब्रिज ला वही बनाए हैं। काबर की ओकर यहाँ गृह ग्राम है, जैसे कि ओकर जन्म यहीं हो है किसे इलाहाबाद में। यहाँ ओकर मन के घर है पुराना किसे अभी भी, और ओकर मन के बहुत पुराना पैतृक यहाँ मन से रही से बहुत पहली हो, खैर बम्बई चल दे रही से और वहाँ जाके है करी। लेकिन यहीं इलाहाबाद ही ओकर घर है, ओकर गाँव है किसे अमिताभ बच्चन के। तो वही ब्रिज ला बनवाए हैं इसी सुनई में है। तो बहुत सुंदर ब्रिज है और भारी भव्य नज़ारा है। आप मन जैसे कि देख सकत हो, मैं एम एल डर लगत नीचे देखे में, वो हालात घलो है तब वो आप देख सकत हो। ये भव्य यमुना नदी है और यमुना ब्रिज है, ये ब्रिज ला अमिताभ बच्चन बना है। लाइट लगे हुए है जो रात के समय अलग ही नज़ारा रही थे एक भव्य ब्रिज के। और अभी मोटर गाड़ी बहुत आवत जावत है, हम अला जाना है वो पार। अब वो पार एक ठन देख सकत है दूरिया में ब्रिज है, वह तो एकदम आऊ एक रोल भव्य है। काबर की वह ऊपर से ट्रेन नीचे से सब गाड़ी मोटर चलते तेन वाला ब्रिज है। अब ये हमन घूमत हन और देख सकत हो। हो गए पैकिंग, अब हमार मन के वापसी है। अभी बज चुके हैं डेढ़, अब हमार 3:30 बजे ट्रेन है तो हम निकलत हन। और हम निकल चुके हैं ई रिक्शा में बैठ के प्रयागराज स्टेशन पर। ये हरे मार्केट प्रयागराज के जो सदर बाजार है वही अंदर से हम जा रहे हैं। और ये अंदर में सदर बाजार है लेकिन हमने में स्टेशन के नाम से मुड़ेल पड़ी। कई जन इलाहाबाद लिखा है, कई जगह प्रयागराज लिखा है, तो सब अपन हिसाब से सब लिखे लिखे है। और ये हरे मार्केट कंस्ट्रक्शन के काम चला थे, बिल्डिंग बिल्डिंग बहुत बड़े बड़े बना थे। जीरो रोड बस स्टैंड, साहित्य सम्मेलन चौराहा, अग्रसेन चौराहा, जामा मस्जिद सब ही डहार। ये मेले प्लेटफॉर्म नंबर 7 में हमला जाना है, ये मेले चढ़ना है। बना गए हैं स्टेशन और ट्रेन हमार मन के 3:30 बजे है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन बहुत बड़े है और देख सकत हो उहू डहर पटरी पटरी, उहू डहर पटरीच पटरी, बड़े रेलवे स्टेशन है। ट्रेन मन के लगातार मालगाड़ी और बड़े बड़े गाड़ी मन के आवाज़ ही लगे रहे, जैसे कि देख सकत हो भारतीय रेल जन अपन प्लेटफॉर्म में बस गाड़ी के इंतज़ार है। इंतज़ार करा थोड़ा बैठे हैं, धूप बहुत तेज है, बस गाड़ी आ ही दाना मन चढ़बो ओकर बाद फिर आराम करबो। भारतीय रेल विजयवाड़ा सारनाथ एक्सप्रेस हमार मन के मिल गए सीट है, वो बढ़िया खाली है, हमन आराम से बैठे हैं और सीट में बैठ के अब जाबो हमन और सीधा पहुँचबो रायपुर। तो ठीक है, आज के ब्लॉग ला मैं यहीं मेर ख़त्म कर रहा हूँ, फिर मिलबो काली नवा वीडियो में। अभी पर राम राम, पल पल जियो, हर पल जियो, मैं दया बनाए रखे। कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो।